हेलो दोस्तों, तो आज ये मेरा पहला कुकिंग ब्लॉग है और मैं आज मटन खिचड़ा बनाने जा रही हूँ। नॉनवेज रेसिपी, मैं दोनों ही चीज़ बना लेती हूँ, वेज और नॉनवेज दोनों ही अच्छा ही बनाती हूँ। तो मटन खिचड़ा के लिए मैंने भिगो के रखा है 2 कप गेहूँ, इसको रात में सोक कर दीजिए, सुबह तक कुटे हुए गेहूँ डलते हैं खिचड़े में। और ये दालें भिगो के रखी हैं, इसमें 1 कप चना दाल है, बाकी दालें आधा आधा कप है। बिना छिक्कल की दाल भिगोइए, उड़द दाल, मसूर दाल, ऑरेंज वाली मसूर दाल और मूंग दाल, और एक आधा कप चावल भी है और 1.5 कप चना दाल। चना दाल हमेशा ज़्यादा भिगोइए और जो दालें हैं वो चना दाल के आधे आधे पार्ट में भिगोइए। और ये सारे खड़े मसाले हैं, इनको पीस लेना है। इसमें है 1 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची काली वाली, 4 हरी इलायची छोटी वाली, और थोड़ी सी जावित्री, हल्का सा छोटा सा टुकड़ा जायफल का, और 1 स्टार अनीस। इन सब को पीस के एक अच्छा सा पाउडर बना लें। तो दोस्तों, जो खड़े मसाले थे उनको मैंने पीस लिया है, पीस के ये फाइन पाउडर बना लिया है। देखिए, ऐसे ही आप इसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। ये कुछ सूखे पिसे हुए मसाले भी डाले हैं इसमें। इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर है, 1.5 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है और 2 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मेरी डुब्बू दीदी, मेरी बिटिया छोटी सी, इसको मिक्स कर रही है। इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो अच्छा है, मसाला तैयार भी हो जाएगा और थोड़ी देर फूल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे पहले से तैयार करके रखिए मटन के लिए। तो दोस्तों, दालें हमारी भीग चुकी हैं, देखिए भीग गई हैं अच्छे से। आधे घंटे से ज़्यादा मैंने भिगोने रख दी थी, तो ये भीग चुकी है। अब इनको हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। देखिए, मैंने दाल डाल दी है और जितनी दाल है उससे दुगना आपको पानी इसमें यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसमें दाल के साथ दुगना पानी डाल दिया है, जिसमें आप 1 टेबल स्पून स्वाद के अनुसार, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल दिया। अब इसको आप बंद करके देखिए, इसको बंद करके मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पे 1 बिसल आ जाने दीजिए, 1 सीटी आ जाने दीजिए। उसके बाद मीडियम पे करके 2 बिसल और लगाएंगे, उसके बाद खोल के चेक करेंगे हमारी दाल गली है या नहीं। तो दोस्तों, मटन के लिए दूसरा कुकर गैस पे रख दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे, तेल डाल रहे हैं, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें पहले प्याज फ्राई करना है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, तेल डाल दिया है, अब इसको आप तेल को गर्म हो जाने दीजिए, जब तक मैं ये प्याज स्लाइस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा तो तेल हो गया है गर्म, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। मैंने प्याज इसमें डाल दिया, अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दूँगी, लेकिन इसको आप चेक करते रहिए चला चला के, जिससे प्याज जले नहीं। गाइस, हम जो प्याज भून रहे थे कुकर में, हमने उसमें जो मसाला भिगोया हुआ था, जो सूखे मसाले थे जो भिगो रखा था, वो हमने उस प्याज में मिला दिया। वो हल्का हल्का प्याज भुन गया था, तो प्याज जो हमें एकदम गोल्डन कर लेना है ऊपर से डालने के लिए, वो हम बाद में उसको फ्राई कर लेंगे। अभी लेट हो रहा था, टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले मीट बना दूँ। तो ये मसाला मैंने मिला दिया है, ये देखिए मिल गया है अच्छे से, देखिए भुन रहा है, तेल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने मटन मिला दिया,
अब इस मटन को मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से चला चला के भून लीजिए। ये देखिए तो बहुत अच्छे से भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जितना आप अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से जितना पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। देखिए अब मैं इसको भून लूँगी। ये देखिए ये मटन अच्छे से भुन रहा है। अब इसको अच्छे से पकाने के लिए, हाँ ये 1 किलो मटन है, आपको अगर ज़्यादा डालना है ज़्यादा, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लीजिए। ये 1 किलो मटन है। अब मैं इसको बंद करके कुकर को 2 से 3 सीटी लगाऊंगी जब तक कि मटन अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये मैं कर रही हूँ बंद, ये मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पहले 2 विसल दूंगी, फिर खोल के चेक करूंगी, अगर नहीं गला होगा तो 1 सीटी और दे दूंगी। तो दोस्तों देखिए 2 सीटी आई हैं, लेकिन अभी ये कच्चा है, कुछ गला नहीं है। तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी डाल के 2 सीटी और लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों दाल उतार ली है, इसे चेक कर लेती हूँ। दाल अच्छे से गल चुकी है दोस्तों, तो मैं इसको अच्छे से मैशर से या कुटनी से इसको अच्छे से घोंट लूँगी। इस दाल को आप किसी बड़े बर्तन में या जिसमें आपको खिचड़ा आगे रखना है उसमें पलट दीजिए। ये देखिए खिचड़ा हम लोग जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि खिचड़ा पसंद होता है, मोस्टली घर में सब लोग खा लेते हैं। और मैं बनाती हूँ तो मैं, घर में हैं कई लोग तो उनको पसंद है तो उनको भिजवा देती हूँ। ये देखिए इसमें पलट लिया। इसी कुकर में हम दलिया उबलने रख देंगे। तो दोस्तों देखिए दाल इसमें मैंने निकाली थी, अब इसी कुकर में मैंने दलिया डाल दिया है। अब इस दलिया वही कुटे हुए गेहूँ, तो अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास कुटे हुए गेहूँ नहीं है और आपको खिचड़ा खाने का मन है, मैंने तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो उनका आज मन था इसलिए खिचड़ा बना रही हूँ बन रहा है, तो आप दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। दलिया से बस वो गेहूँ वाला फील नहीं आता है लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खिचड़ा आपको बहुत टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, खिचड़े दलिया यो जो गेहूँ है या दलिया है इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। इसमें 2 सीटी लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स कुकर मटन चेक कर रही हूँ, ये देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम मिक्स करके खिचड़ा में मिलाएंगे। हमारा दलिया या गेहूँ जो भी आप डालते हैं वो डालिए। ये देखिए मैंने दलिया डाला हुआ है, कुछ गेहूँ थे कुटे हुए वो भी इसी में मिक्स है। ये देखिए हमारा दलिया एकदम तैयार है। अब इसे हम अपनी दाल में मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने अपनी दाल में दलिया मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, घोटेंगे, जितना ज़्यादा घोट लेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए अब इसी में हम अपने मटन की जो ग्रेवी है वो भी डालेंगे और गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं अपनी ये ग्रेवी इसमें मिला दूँ। ये देखिए पूरी मटन इसमें डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको गैस पर रख देंगे। देखिए इसको गैस पर रख दिया है, अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करेंगे कि ये जो ग्रेवी डाली है सब पूरी इसमें अच्छे से
मिक्स हो जाए। देखिए मुझे खिचड़ा कुछ गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें पानी भी डालूंगी, लेकिन पानी गर्म करके डालिए। पहले इसको अच्छे से मिला लूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें गर्म पानी मिलाया। देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको गैस पे ही रहने दीजिए जिससे ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए। मीडियम आंच पे गर्म होते रहने दीजिए, और अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी मिलाइए, लेकिन पानी गर्म करके ही मिलाइएगा। ये देखिए ये मिक्स करने के बाद हमारा जो ये खड़े मसाले वाला पाउडर था, ये इसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए सारा डाल देंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पूरा खिचड़ा बढ़िया से मिक्स कर लीजिए हर तरफ से। ये थोड़ा सा भुना हुआ प्याज, ये मैंने बाद में भून लिया था, तो इसमें मिक्स कर देंगे इसको भी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा आप अलग रख सकते हैं बाद में डालने के लिए। तो ये देखिए इसको मिक्स कर दिया है, हमारा खिचड़ा हो गया है तैयार। अब मैं ज़रा इसको अपने हस्बैंड को दे दूँ, वो वेट कर रहे हैं। तो हमारा गर्मा गर्म खिचड़ा तैयार हो गया है, आप भी बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार ऐसे बताएं, ऐसे बनाएं, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।